अस्सलामुअलैकुम सामीन, 4 सफ़र-उल-मुज़फ़्फ़र है, 2 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है गंगोह के दीनी मदरसे में अंजुमन बज़्म रशीद का इफ्तिताही प्रोग्राम। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। मगरबी यूपी के ज़िला सहारनपुर के कस्बा गंगोह के दीनी इदारा जामिया अशरफुल उलूम रशीदी में अंजुमन बज़्म रशीद का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्ला कासमी दामत बरकातुहुम और निज़ामत अंजुमन के सदर मौलवी हुसैन कुंडवी ने की। प्रोग्राम की शुरुआत मौलवी अब्दुल सत्तार की तिलावत और मौलवी शाकिर की नात पाक से हुई। इसकी निगरानी और देखरेख मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा मक्की ने की। हकम के फ़राइद मुफ्ती मोहम्मद एहसान और मौलाना साबिर ने अंजाम दिए। बज़्म रशीद के इस प्रोग्राम में दर्जनों तलबा ने मुआशरे में तालिब इल्म का किरदार, मदारिस की अहमियत, नमाज, सीरत, अज़मत कुरान जैसे मौज़ूआत पर तकारीर पेश की। इसमें जमात मिशकात शरीफ के मोहम्मद अम्मार मेरठी ने अव्वल पोजीशन, दौरे हदीस के तालिब इल्म मोहम्मद अनस गंगोही ने दोम और मोहम्मद मुशर्रफ माजरी ने सोम यानी तीसरी पोजीशन हासिल की। इस मौके पर तलबा की हौसला अफजाई भी की गई। अब आप पहले मुफ्ती हुज़ैफ़ा मक्की का और फिर तलबा का बयानात सुन लें। इस खबर के लिए इदारा कारी मशकूर अहमद रशीदी कासमी का शुक्रगुजार है। माशाल्लाह, आप हजरात ने बहुत उमदा प्रोग्राम पेश किया और बहुत अच्छी तकारीर मौजूद से भरपूर आप हजरात ने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद तरक्कियात से नवाजे। और ये कि जो प्रोग्राम आपने पेश किया है, हम उम्मीद करेंगे कि इसमें जो कमी और कोताही रह गई, इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्रामों में आप उनकी इस्लाह के साथ यहाँ आएंगे और उनको और उमदा अंदाज में सामरीन के सामने रखेंगे। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त ज़्यादा हो गया, 12 बज गए। आप लोगों को कल असबाब में भी शिरकत करनी है और आपके असातिज़ा किराम को पढ़ाना भी है, इसलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त न लेके हम आपको बताते हैं कि कौन है जो इसमें जिन्होंने पहला मरतबा हासिल किया। जैसा कि किताबें आप अपने सामने देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो जुमला मुसाहिमीन हैं, शिरकत करने वाले हैं, सबको किताबें दे दी जाएंगी। बतौर खास जो 3 हैं, अव्वल, दोम, सोम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पोजीशन लाए हैं उनके नाम इस तरह है। अव्वल पोजीशन मोहम्मद अम्मार मेरठी। कौन है ये अम्मार? अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे और आपको मजीद तरक्की आपसे नवाजे। दोम पोजीशन जो है वो है मोहम्मद अनस गंगोही। अच्छा, मोहम्मद अनस गंगोही 2 है इस नाम के बारे में, अजमत रसूल पर जिसने तकलीफ की। अच्छा, माशाल्लाह मबरूक। और जो थर्ड पोजीशन है वो है मुशर्रफ माजरी। कौन है मुशर्रफ? अच्छा, अपना चेहरा तो दिखा दीजिए। माशाल्लाह लाला, आप तमाम हजरात को मजीद तरफ याद से नवाजे। दरअसल तलब अजीज, ये तकाबुल है, तकाबुल। इसमें किसी न किसी की तो पोजीशन आएगी, जिनकी पोजीशन आई है उन्हें से उन्हें इसको बरकरार रखने की कोशिश करनी, और जिन हजरात की पोजीशन नहीं आई उन्हें ये तहिया करना है कि आइंदा जो प्रोग्राम आएगा सबसे बेहतरीन मैं बयान करूँगा और अव्वल पोजीशन लाऊंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، هر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद।
मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले मेरे असातिज़ा इकराम और मेरे तमाम साथियों, मैंने आप हजरात के सामने बड़े इख्तिसार के साथ सफीर खत्मे नबूवत फातिह कादियानिया फातिह मुबाहला इंटरनेशनल खत्मे नबूवत मोमेंट के वाली हजरत मौलाना मंसूर अहमद नौमानी जिलोटी दामत बरकातहू उनके खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है, लेकिन मैंने इस अंदाज में गुफ्तगू करनी है जिस अंदाज में खतीब नहीं बल्कि खत्मे नबूवत का वकील गुफ्तगू करता है। मुझसे कबल आपने गुफ्तगू सवाल फरमाई, लेकिन मेरी गुफ्तगू का मौजू बेबंदियत की बुनियाद पर होगा। मैं दुनिया में किसी शख्स और मसलक जो इस्लाम का नाम ले रहा हूँ उसकी तर्दीद पर बात नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद अकाबिर उलमा देवबंद के साथ है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ देवबंदियत की रोशनी में सफीर खत्मे नबूवत की खिदमात को खराज तहसीन पेश करूँ। उसके लिए मैंने एक आयत तिलावत की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें एक लफ्ज मोहम्मद है, एक लफ्ज रसूल है, एक लफ्ज अल्लाह है। मैं कहूँगा हमारे ईमान की बुनियाद एक पैगंबर की जात है, एक पैगंबर की बात है। मोहम्मद पैगंबर की जात को कहते हैं, रसूल पैगंबर की बात को कहते हैं। देवबंदियत का अकीदा है, पैगंबर की जात भी जन्नत से आई है, पैगंबर की बात भी जन्नत से आई है। देवबंदियत का अकीदा है, पैगंबर की जात को मानना भी ईमान है, पैगंबर की बात को मानना भी ईमान है। देवबंदियत का अकीदा है, जहाँ पैगंबर की जात है वो मकान में सब मकानों से आला, जहाँ पैगंबर की बात है वो अहादीस में तमाम बातों से आला। देवबंदियत का अकीदा है, पैगंबर को देख तो कोई नुकता नहीं, रसूल को देख तो कोई नुकता नहीं, इस मोहम्मद रसूल के बनाने वाले उस खुदा को देख तो भी कोई नुकता नहीं। देवबंदियत का अकीदा है, जहाँ पैगंबर की जात है वो मकान में सब मकानों से आला, जहाँ पैगंबर की बात है वो अहादीस में तमाम बातों से आला। देवबंदियत का नजरिया है, पैगंबर की रात भी महफूज है, पैगंबर की बात भी महफूज है। देवबंद